लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया। प्रत्याशियों के वाहन से लाउडस्पीकर वगैरह सब उतार लिए गए हैं। अब प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं से मांगेंगे वोट। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन कमर कस चुका है। बुधवार को जिला मुख्यालय भिनगा स्थित पुलिस लाइन में डीएम व एसपी ने सीआरपीएफ पैरामिलिट्री पीएसी व पुलिस जवानों के सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की है, जिसमें निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान स्थल के लिए सुबह पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। क्या कहना चाहिए? 25 तारीख को श्रावस्ती में छठे चरण में चुनाव है, जिसके दृष्टिगत कल से डिस्पैच चालू है। तो आज सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पार्टीज और सीएपीएफ की जिनकी यहाँ तैनाती हुई है, सबकी ब्रीफिंग की गई है संयुक्त रूप से, और सभी को जो उनके दायित्व है वो समझा दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि चुनाव सकुशल रूप से हम लोग सब करेंगे। मैम, आज शाम से चुनाव प्रसार थम जाएगा और साइलेंस पीरियड चालू हो जाएगा हमारा, और उसके बाद किसी भी तरह की अगर इसकी अवहेलना होती है तो हमारी जो एफएसटी टीम्स हैं, एसएसटी टीम्स हैं, एनसीसी की जो टीम्स हैं वो मुस्तैद हैं। किसी तरह की शिकायत आती है सी विजिल पे तो उसका हम लोग विस्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों के क्रम में आज पुलिस लाइन प्रांगण में सीपीएफ, पैरामिलिट्री और पीएसी और जनपदीय पुलिस के समस्त अधिकारियों कर्मचारी और साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के समक्ष इसमें सुरक्षा को लेकर के एक मीटिंग की गई। इस बारे में इस ब्रीफिंग को जो है जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर ने भी सुपरवाइज किया है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, इनको उनके दायित्वों के बारे में भली बात समझा दिया गया है और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए। आज शाम से मतदान तक बंद रहेंगे सभी मंत्रालय। छठे चरण में 25 मई को श्रावस्ती में मतदान है। डीएम ने मंत्रालय बंद करने के निर्देश दिए हैं।